नाम शिव है और मैं ईबस मोबिलिटी LLP की तरफ से हूँ। हम एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है और हम फिलहाल इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स बना रहे हैं। हमने अभी जस्ट ऑटो के साथ इसलिए टाइप किया है क्योंकि उनका विजन बहुत ग्रैंड है। जो उनका विजन है कि वो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेनिंग देंगे और इस थ्रू दिस ट्रेनिंग वी विल ऑल्सो बी एबल टू enable a lot of other players all across India to come and join the EV revolution. So without further ado, I would like to call upon stage Naveen bhai to explain a little better. देखिए, मैं जस्ट ऑटो को बड़ा खुशी होती है कि किसी न किसी कंपनी के साथ हम MOU करते हैं। MOU केवल एक छोटा सा शुरुआत नहीं होता, बहुत बड़ा विजन होता है कि हमने क्यों, जैसे हमने होटल के साथ किया है, पर वो इमीडिएटली मार्केट में इफेक्ट नहीं करेगा। सेम ई रिक्शा इमीडिएटली मार्केट में इफेक्ट नहीं करेगा, पर इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है आज की डेट में? हमको भी हो रहा है और इनको भी हो रहा है। आपने कभी ई व्हील, 3-व्हीलर, 2-व्हीलर लोगों ने जगह जगह दुकानें देखी? आपने सर्विस सेंटर देखे कि ईवी 2-व्हीलर ने किसी ने चालू किया एक बढ़िया सा सर्विस सेंटर बनाया? इसी कारण वो फेल हो रहे हैं, पहला कारण। दूसरा, उनके सामान की अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरा, जो लोग ईवी के 2-व्हीलर 3-व्हीलर की जिन्होंने दुकानें डाल दी, उनके लोगों के पास ट्रेंड मेन पावर नहीं है, तो वो काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले, यदि 2-व्हीलर वालों ने देखा हो तो अभी एक ईवी का ट्रेनिंग हुआ था हमारे यहाँ 1-2-3 तारीख के आसपास, जिसमें 2-व्हीलर 3-व्हीलर ट्रेनिंग था। जो हमारे फ्रेंचाइजी, जिन्होंने हमसे फ्रेंचाइजी लिया था, उनको हमने बुलाया था और वो ट्रेनिंग लेके गए। तो ई बस के साथ सबसे बड़ी बात किया कि जहाँ जहाँ मेरे 2-व्हीलर के फ्रेंचाइजी हैं, उनको डायरेक्टली इसका काम मिल गया। अब उस एरिया में जो भी, जैसे गांधीधाम में है, गांधीधाम की इनका डीलर है, तो गांधीधाम के जितने भी रिक्शा खराब हो रहे हैं, वो सब रिपेयर कहाँ होने जा रहे हैं? जस्ट ऑटो बाइक के ऊपर। तो जो हमसे जुड़ा है उसको एक नया बिजनेस मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये ई बस के साथ जो हमारा टाई अप है, वो इसीलिए है कि इनको सर्विस मिले और मेरे को अंदर से अंदर ये खुशी है कि मेरे जितने भी फ्रेंचाइजीज ओपन हो रहे हैं, जब जिस दिन उस सिटी में ये ई बस रिक्शा आ गया, उस दिन हमारे को डायरेक्टली यदि 50 रिक्शा भी बिके तो 50 रिक्शे का जनरल सर्विस का भी यदि हमें धंधा मिलता है, तो कोई बुरा धंधा नहीं है और एक ग्रोथ का विजन है। और शिव भाई हमको देख रहे हैं, हमने इनको सर्विसें दी, हमारा काम देखा, तभी आज ये कंपनी हमारे साथ जुड़ी है। तो इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं और आप लोग भी फ्यूचर में ये मान के चल रहे हैं कि इसका जितना बिजनेस आना है, चाहे वो 2-व्हीलर हो, चाहे वो 3-व्हीलर फील्ड में हो, सबसे पहले ऑफर आप लोगों के पास ही मैसेज आएगा कि क्या आप रिपेयर करना चाहते हैं, आपकी सिटी में ये आ चुका है। यदि आप यस करेंगे तो हम करेंगे। और केवल इंडिया वाले नहीं, नेपाल वाले भी सोच सकते हैं कि हम वहाँ पे भी एक ट्राई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी करें।